अब समाज में व्यवस्था की बात करते हैं तो फिर से अगर ये मास्टर स्लाइड है आप देखें तो पूरा पूरा कंटेंट इस पूरे एक स्लाइड में है कि भाई मानव निरंतर सुखी होकर समृद्ध होकर जीना चाहता है। संगीत व्यवस्था में जीना ही सुख है, ये बात ध्यान में आती है। और मानव की जो मूलभूत चाहना है उसको पूरा करने के लिए ये बात ध्यान में आती है कि मानव में व्यवस्था, परिवार में व्यवस्था, समाज में व्यवस्था, प्रकृति अस्तित्व में व्यवस्था, इसको अगर समझ लेता है तो ठीक-ठीक जी पाता है। समझने का कार्यक्रम यही है कि अगर जांच परख करके देख पाए, जो भी प्रस्ताव मिले उसको सही स्वीकृति के आधार पर देख पाए, जांच परख कर पाए, तो वहां से सुखी होकर जी पाता है। अब समाज में मेरी क्या भागीदारी है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बात तो ध्यान में आती है कि जो मानव चेतना में जीता हुआ मानव है वो इन तीनों ही के लिए प्रयास कर रहा है कि मुझ में सही समझ भी हो जाए, आपस के संबंध भी ठीक रहे और सुविधा भी हो जाए, तीनों ही मेरे लिए जरूरी दिखाई देती है। अभी हमने देखा कि परिवार मानव के साथ साथ जीने के क्रम का एक मौलिक इकाई हमको जो है वो दिखाई देती है। समाज एक उससे बड़ी व्यवस्था है। समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयास करने वाले कई परिवारों को मिलकर रहने से जो एक जगह का निर्माण होता है उसको कह रहे हैं समाज। इनमें से हम इस पूरे इस सत्र में निम्न चीजों की जांच परख करते हैं। समाज में रहते हुए मानव का क्या लक्ष्य होगा? अपने स्तर पर तो देखा कि भाई मानव सुखी और समृद्ध होना चाहता है, लेकिन समाज पे रहते हुए क्या लक्ष्य दिखाई देगा? वो एक ही रहेगा कि अलग है? और इस समाज में रहते हुए मानव लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक व्यवस्था क्या होगी उसको देखेंगे, और इस व्यवस्था का सोपान क्या है कि किस तरह से इसको आगे लेकर चले ताकि ये पूरा समाज की जो व्यवस्था दिखाई दी वो पूरी हो पाए। चाहना क्या है और आज हम कहाँ पर हैं इसको अगर थोड़ा सा हम देखें तो साथ साथ रह रहे परिवार परस्पर पूरकता के संबंध में या फिर साथ साथ रह रहे व्यक्ति लेकिन परस्पर पूरकता के संबंध में नहीं है, और अलग अलग रह रहे व्यक्ति संघर्ष विरोध की स्थिति में। पहले वाले को कहा समान लक्ष्य। समान लक्ष्य यह है कि भाई मैं भी भोपाल जाना चाहता हूँ, दूसरा कोई व्यक्ति भी भोपाल जाना चाहता है, इसको कहा समान लक्ष्य। अलग अलग लक्ष्य क्या है कि भाई मैं भोपाल जाना चाहता हूँ, कोई जबलपुर जाना चाहता है, कोई ग्वालियर जाना चाहता है, कोई रीवा जाना चाहता है, कोई सतना जाना चाहता है, तो ये अलग अलग लक्ष्य। परस्पर विरोधी लक्ष्य क्या है कि भाई मेरा लक्ष्य यह है कि दूसरा व्यक्ति भोपाल ना पहुंच पाए, दूसरे व्यक्ति का लक्ष्य यह है कि मैं जबलपुर ना पहुंच पाऊं। तो इन तीनों में हमारी चाहना क्या है, ये सामान्य लक्ष्य, अलग अलग लक्ष्य या परस्पर विरोधी लक्ष्य? तो आप चैट बॉक्स में 1 2 3 लिख सकते हैं। ये ऊपर वाले को 1, बीच वाले को 2, नीचे वाले को 3। तो हमारी चाहना क्या है, एक दो साथी माइक पे भी बता सकते हैं। संतोष जी हैं, अमिता जी हैं, जिनके यहाँ पीछे बैकग्राउंड नॉइस ना हो थोड़ा वो बता सकते हैं। अमिता जी, जी सर, सर हाँ तो अगर हमारा समान लक्ष्य बोले सर, जी, समान लक्ष्य होगा तो परिवार एक साथ ही रहेगा सर। वो मतलब कोई भी कार्य करेगा तो सबका एक ही डिसीजन रहेगा ठीक। और तो ये दिखता है वो कि भी हमारी हमेशा। चाहना तो सामान्य लक्ष्य हाँ की है। जी ठीक बात, जी ठीक। अच्छा ये भी बता दे कि आज हम हैं कहाँ पे, इस पे भी बात कह दे मैं कि आज कॉलेज में हूँ सर। हमारा नहीं, मतलब इन तीनों स्थिति में हम कहाँ हैं। हम सामान्य लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, अलग 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 में लक्ष्य के भी लिए हैं कर और रहे हैं परस्पर या विरोधी में भी परस्पर हैं। विरोधी के लिए हैं। चैट बॉक्स में भी लोग रख दें बात को, और लोग माइक है, संतोष जी के पास भी है माइक, सर अलग अलग में है अभी। अलग अलग में है। और संतोष मैं जी हाँ बोलिए। भी अलग अलग हूँ भाई साहब। अलग अलग है हाँ, और तो समान लक्ष्य में भी हूँ और अलग अलग में भी हूँ ये दिखता है कि चाहना तो एक नंबर की है पर है जी। कहीं ना कहीं या तो अलग अलग में या परस्पर विरोधी में, दोनों ही के लिए ऑप्शन में भी आ रहा है, आप लोग भी बता रहे हैं। हाँ, अभी परस्पर देखिए विरोध।
परस्पर विरोध भी है तो बहुत कम पोजीशन बनती है, पर ज्यादातर अलग अलग लक्ष्य में है, अलग अलग में है। तो अभी देखिए, हम परस्पर विरोधी लक्ष्य में रहते हुए या अलग अलग लक्ष्य में रहते हुए हम सामान्य लक्ष्य की चाहना कर रहे हैं। अभी देखिए, सामान्य लक्ष्य को क्या कहा, तो ये सामान्य लक्ष्य को कहा समाज, अलग अलग लक्ष्य को कहा भीड़, और युद्ध का मैदान किसको कहा, जो परस्पर विरोधी लक्ष्य है। तो हम भीड़ या युद्ध के मैदान में खड़े रहकर समाज की, या मैं ये कहूं कि अखंड समाज की कल्पना करते। अब इस केवल हम ये कह तो देते हैं कि भाई अखंड समाज हो, पर अखंड समाज कैसे हो, उसके लिए क्या व्यवस्था हो, क्या आयाम हो, इसको भी समझने की जरूरत है। या हम अभी तो ये दिख रहा है कि भाई हम भीड़ से युद्ध के मैदान की तरफ पहुंच रहे हैं, या कई जगह पे पहुंच भी गए हैं, ऐसा भी बात जो है वो ध्यान में आती है। एक पोल चल रहा है आपके सामने, उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि वांछनीय क्या है और वर्तमान स्थिति क्या है। तो दिखता है कि वांछनीय तो ये है कि भाई लोग परस्पर पूरकता के भाव के साथ रहें, ज्यादातर लोग इसी, लेकिन लोग पूरकता के भाव के साथ नहीं रह पा रहे हैं, और लोग परस्पर पूरकता के भाव के साथ हैं या संघर्ष के भाव के साथ हैं। यहाँ पर बहुत सारा जो है वेरिएशन दिखाई दे रहा है। ठीक, मैं एक बात बोल सकता हूँ? जी जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है सर कि ये बात आपकी जो टॉपिक बिल्कुल सही है, लेकिन साथ साथ रहना, अलग अलग रहना या पर विरोधाभास रहना, मुझे लगता है कि ये सब परिवार में ये बहुत बड़ा इसके पीछे एक लॉजिक है, वो है सर स्वार्थ। यदि स्वार्थ सिद्धि है, हो रही है, तो हम साथ साथ हैं और न्यूट्रल हैं तो बीच में हैं, और अगर स्वार्थ सिद्धि बिल्कुल नहीं हो रही है तो युद्ध की स्थिति में भी पोजिशन आ जाती है, ऐसा मुझे लगता है। स्वार्थ का क्या मतलब है? स्वार्थ का मतलब ये होता है कि मेरे से सामने वाला उम्मीद कर रहा है ज्यादा, ये परिवार की बात में कर रहा हूँ या दोस्तों में भी क्यों ना हो, मेरे से उम्मीद कर रहा है ज्यादा, और उम्मीद है कायम कर रहा है वो अपनी योग्यता के कारण कर रहा है, कुछ भी कर रहा है वो, ये उम्मीद कर रहा है वो लगाए हुए है कि यार इनके पास ज्यादा है मेरे पास कम है, और मैं उनको अगर अपन उनको पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी स्वार्थ सिद्धि नहीं हो रही है, और नहीं हो रही है तो पर ये तीनों स्थिति निर्मित हो रही है साहब। या तो आप करते ही जाओ तो वो तो साथ में चलेंगे, और जहां आपने करना बंद किया तो आपके साथ बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, दो नंबर है तीन नंबर है, तीन नंबर की संभावना ज्यादा रहती है भैया, ऐसा मुझे लगता है सर। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, इसीलिए मैं शेयर कर रहा था। अभी जो ये व्यक्तिगत अनुभव जो है, तो यहाँ पर केवल और केवल हमने सुविधा का ही ट्रांसफर किया, या संबंधों का भी ट्रांसफर किया, और आपस में सही समझ हो जाए इसके लिए भी कुछ बातचीत की जी। क्या है, अभी केवल सुविधा के लिए ही बातचीत हुई, सुविधा का ही ट्रांसफर हुआ, पूरी बातचीत जो है वो सुविधा को लेकर हुई, या आपस में संबंध ठीक हो जाए इसको भी लेकर बातचीत हुई, आपस में सही समझ हो जाए इसको लेकर भी कुछ आदान प्रदान हुआ? देखिए सर, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो है कि बातचीत हुई ही नहीं, वहां से अलग से डिमांड नहीं है, आव भाव है वो एक्सप्रेशन से वो बात हो रही है, और दूसरा ये है कि वहां पर जो है ये आपका सुविधा ही देख रहा है सामने वाला, ना तो उसमें समझ है और ना ही वो आपका दूसरा वाला पॉइंट कौन सा है, संबंध। हाँ, संबंधों को भी ताक पर रखने को व्यक्ति तैयार है, यदि उसको पहली वाली पूर्ति, यदि स्वार्थ पूर्ति यदि नहीं हो रही है तो, क्योंकि वो उसमें समझ की कमी है भैया, और योग्यता की कमी है। कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को किस हद तक पूर्ति कर सकता है, लगातार तो दे ही नहीं सकता, कोई एक बार देगा, दो बार देगा, तीन बार देगा यदि उसको लगता है कि मैं दे सकता हूं तो, लेकिन कोई कहे आप देते ही रहो और कृतज्ञता भी ना बरतो
और विपरीत परिस्थिति भी बने क्या है? ऐसा अभी हमने भी सुविधा को महत्वपूर्ण मान लिया है, सामने वाले व्यक्ति ने भी सुविधा को महत्वपूर्ण मान लिया है, हमको भी हम भी ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि मेरी आवश्यकता क्या है, मेरे लिए नहीं, मेरे, मेरे, नहीं नहीं मेरी आवश्यकता मेरी आवश्यकता सुविधा है सर। एक मिनट, मेरी आवश्यकता सुविधा भी है और संबंध भी है और समझ भी है, मेरी तो तीनों आवश्यकताएं हैं, मुझे तीनों ही जरूरी है। केवल आपको ही जरूरी है या हर एक मानव को जरूरी है? नहीं नहीं हर एक मानो कि मैं जिस पर्पस में बात कर रहा हूँ, सामने वाले के ऊपर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सामने वाले में केवल केवल आपकी समझ की कमी है, ऐसा मुझे लगता है। जी जी ठीक, तो ये दिखता है भाई मेरे लिए भी जरूरी है, हर एक के लिए जरूरी है। अभी मैं भी नहीं देख पाया हूँ, सामने वाला व्यक्ति भी हो सकता नहीं देख पाया हो। नहीं सामने वाला तो देख पा रहा है, इसलिए तो उसको समझ तो है, लेकिन समझ उसकी नेगेटिव ज्यादा है। स्वार्थ सिद्धि एक बहुत बड़ा मुद्दा है भाई साहब, परिवार में समाज में स्वार्थ बहुत बड़ी चीज होती है सर। स्वार्थ के कारण सब बुद्धि सारा रिलेशन चेंज हो जाता है। बिल्कुल आप तय मानिए सर, समाज में परिवार में या मोहल्ले में या मित्रों में स्वार्थ सिद्धि ना होने से ये सारे जो तीन जो पॉइंट है ना ये गड़बड़ा जाते हैं, कब एक दो तीन में बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। ठीक है, मुझे लगता है कि स्वार्थ सिद्धि के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा समझ को भी देखें जी, तो अगर समझ नहीं है जी, तो अभी तो ये दिखाई देता है जी, कि दो भाई हैं, दोनों के जी, पास करोड़ों रुपए है, जी इसके बाद भी एक दूसरे को गोली मार दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वहां क्या स्वार्थ सिद्धि है? करोड़ों रुपए है दोनों के पास, हाँ हाँ हाँ, लेकिन उसके बाद भी ऐसा हो जा रहा है। तो ये बात ध्यान में आती है हाँ, कि अगर समझ की क्लैरिटी नहीं हो पा रही है तो बहुत सारी गड़बड़ी हमको करते रहते हैं। हमको ये नहीं पता है कि मेरी क्या आवश्यकता है, हमको ये नहीं पता मेरे लिए कितनी जरूरत है, मुझे क्या आवश्यकता है, कितने में जाएगी, इस तरह का बना रहता है। अगर समझ की से मुझे अपने बारे में पता चल जाता है तो ये दिख जाता है कि भाई मेरी क्या आवश्यकता है और उसको पूर्ति करने के लिए कौन सा साधन है जी, इस तरह की चीजें जो है वो ध्यान में आती हैं। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, नहीं मैं ऐसा समझ, हाँ हाँ हम लोग सर थोड़ा सा और आगे चर्चा करेंगे आपसे संतोष जी। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक, तो ये बात ध्यान में आती है कि हम हमारा लक्ष्य जो है वो तो समाज के लिए है, कि हम चाहते तो या हमारी चाहना तो समाज के लिए है, लेकिन अभी हम देख नहीं पा रहे हैं कि हम भीड़ में खड़े हुए हैं कि युद्ध का मैदान में खड़े हुए हैं, ये बात ध्यान में नहीं आती। और जैसी बात हुई कि अभी तो परिवार में ही हमको ये लग रहा है कि पति पत्नी में ही हार जीत का फैसला हो जाए, भाई भाई में हार जीत का फैसला हो जाए, भाई बहन में हार जीत का फैसला हो जाए, बाप बेटे में हार जीत का फैसला हो जाए, अभी तो हम यही सब कर रहे हैं, ऐसा ध्यान में आता है। समाज की व्यवस्था में हम देखेंगे कि भाई समाज की व्यवस्था का आधार परिवार में व्यवस्था है और जिसका आधार मानव में व्यवस्था है, ये बात जो है वो देखते हैं। अभी जब मानव लक्ष्य को देखने जाते हैं समाज के स्तर पर, तो ये दिखाई देता है कि अगर हर एक मानव में समाधान हो जाए, और समाधान किसको कह रहे हैं, सही समझ और सही भाव, जिसके आधार पर मानव सुखी हो सकता है, जो मानव का लक्ष्य दिखाई देता है। अगर हर एक परिवार में समाधान हो जाता है, हर एक मानव में समाधान हो जाता है, तो वहां से हर एक परिवार में समृद्धि सुनिश्चित हो पाती है। हमारे परिवार के जितने भी लोग हैं सभी लोगों में समाधान हो गया तो उस परिवार में समृद्धि सुनिश्चित हो जाएगी कि भाई हमारे पास हमारी आवश्यकता से अधिक उपलब्ध है। जब पूरे परिवार में इस बात की क्लैरिटी हो जाएगी कि मेरे पास मेरी आवश्यकता से अधिक उपलब्ध है, तो समाज में अभय या विश्वास, फिर मुझे डर नहीं रहेगा कि ये मेरा सामान ले जाएगा, ये मेरा ये कर लेगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये मेरे साथ गलत कर लेगा, ऐसा भय नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति में सही समझ हो गई है, हर परिवार में समृद्धि का भाव हो गया है, अपनी आवश्यकता से अधिक है, और समाज में अभय या विश्वास का भाव बना हुआ है।
और अगर समाज में विश्वास या अभय का भाव बना हुआ है तो जो प्रकृति और अस्तित्व है वहां सह अस्तित्व यानी परस्पर पूरकता का भाव बना रहता है, ये बात ध्यान में आती है। क्या चारों लक्ष्य आवश्यक हैं, वांछनीय हैं या किसी को छोड़ सकते हैं? यदि चारों लक्ष्य को पूरा कर लें तो क्या कुछ और भी आवश्यक होगा? क्या हम चारों लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं और कहां से शुरू करने की आवश्यकता है? इतनी प्रश्न है, हम लोग जिन्होंने अभी तक बात ना की हो वो अगर कुछ लोग चाहें, जैसे दीप्ति गौर जी हैं, धनीराम गोरी जी हैं, धनीराम कोरी जी, साक्षी सहारे जी हैं, सुनील चोपड़ा जी हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ बात ना रखी हो, अगर वो रखना चाहें कि ये ठीक लग रहा है। सर मेरे आसपास बैकग्राउंड में बहुत आवाजें हैं। अच्छा ठीक एक बार ये पुनः वो जय प्रकाश जी, क्या ये चारों लक्ष्य आवश्यक हैं, वांछनीय हैं या किसी को छोड़ा जा सकता है? एक बार पुनः वो अच्छा दिखाएं कि वो पलट के तुरंत पोल आ गया ना, साइड में पोल कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। मेरी कोट पोल आप नीचे कर देंगे तो दिख जाएगा। ये कह रहे हैं कि हर एक मानव में समाधान हो जाए, सही समझ और सही भाव, हर एक परिवार में समृद्धि हो जाए, समाज में अभय या विश्वास हो जाए और प्रकृति और अस्तित्व में सह अस्तित्व परस्पर पूरकता का भाव हो जाए। सभी आवश्यक है, मेरा ये मानना है। तो ये दिखता है कि सभी आवश्यक है और लक्ष्य आवश्यक है। अच्छा यदि ये चारों को पूरा कर ले तो कुछ और भी आवश्यक होगा क्या? फिर हाँ, फिर ग्रोथ है या कुछ और भी लक्ष्य है? अगर फिर मानवता की सेवा या और कुछ आगे और आगे करना पड़ेगा। हम अभी केवल समाज तक ही सीमित हैं, हो सकता है और आगे उसका हम दायरा बढ़ा सकते हैं यदि ये पूरी वक्त तक जी। वो जो मानवता की सेवा की बात कर रहे हैं वो परिवार में समृद्धि और समाज में जब अभय की बात होगी तो वहां से पूरा नहीं होगा? वहां से पूरा नहीं होगा, वो फिर अलग से सोचना होगा। क्या करना होगा उसके लिए थोड़ा सा बताएं। उसके लिए अभी समाज, यदि हम समाज का बात कर रहे हैं, कुछ ग्रुप है, तो यदि हम देश की ओर जाते हैं, देश में तो और भी समाज आते हैं, और भी समाज अपने भौगोलिक कारणों से या अपनी भाषा के आधार पर अलग रहते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ सकती है उसमें, इसकी उस दृष्टिकोण से कह रहा हूँ। अभी तो हम पूरे ही समाज की बात कर रहे हैं, उसमें किसी को देश और इधर से बांट नहीं रहे हैं, पूरे समाज की बात कर रहे हैं कि भाई अगर हर एक मानव में समझ हो जाती है। अब हर एक मानव में कोई छूटा तो है नहीं यहाँ। अच्छा जी, फिर समृद्धि की बात करें तो हर एक परिवार में समृद्धि हो जा रही है। समाज की बात कर रहे हैं तो भाई पूरे को ही समाज कह रहे हैं, तो उसमें हम ये बांट नहीं दे रहे कि भाई इंडिया अलग है, चाइना अलग है, रशिया अलग है, अमरीका अलग है, सब एक ही समाज में है। वहां अभय और विश्वास की बात कर रहे हैं और प्रकृति अस्तित्व भी एक ही है, उस प्रकृति अस्तित्व में सह अस्तित्व या परस्पर पूरकता की भाव की बात कर रहे हैं। तो अगर ये चारों लक्ष्य को पूरा कर लें तो क्या कुछ और की आवश्यकता रहेगी, कुछ छूटेगा तब? नहीं, मेरे ख्याल से तो चारों लक्ष्य पूर्णतः है, तो चारों की आवश्यकता है। अगर ये चारों लक्ष्य को देखते हैं तो पूर्णता होती है। तो ये दिखता है कि हेलो जी दीप्ति जी। जी सर, हाँ नमस्कार, मैं डॉक्टर दीप्ति गौर ग्वालियर से। सर ये मैं कहना चाह रही थी कि यदि समृद्धि भी है लेकिन परस्पर पूरकता की भावना नहीं है, तभी जैसे अभी आपने बताया कि परिवारों में करोड़ों रुपया होने पर भी झगड़े होते हैं, तो वो जो लोगों की एक समृद्धि के मतलब उनको लगता है कि जो हम पे है और ज्यादा, तो अगर वो परस्पर पूरकता की भावना है, एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व की भावना नहीं होती है, तो वो समृद्धि का भी फिर मूल्य नहीं हो पाता है। कितना समृद्ध होगा इंसान, समृद्धता की तो कुछ सीमा ही नहीं है जी। दीप्ति जी, जब पहले दिन और दूसरे दिन चर्चा हो रही थी तो ये बात हुई थी समृद्धि के ऊपर,
तो संपन्नता और समृद्धि ये दो अलग अलग चीज है। जी जी जी। मेरी आवश्यकता के आधार पर जो भी मैं पूर्ति कर रहा हूँ या उत्पादन कर रहा हूँ उसको कह रहे हैं समृद्धि, आवश्यकता को देखते हुए। और अगर अपनी आवश्यकता की पहचान के बिना हम ये देख रहे हैं कि भाई दूसरे ने घर ले लिया, दूसरे ने गाड़ी ले ली, उसके आधार पर जो कर रहे हैं उसको हम कह रहे हैं संपन्नता, या ज्यादा पैसा आ गया, अमीर हो गए, तो यहाँ पर तो समृद्धि की बात कह रहे हैं कि समझ के आधार पर। जी 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 सर। अब बताइए अब कैसे। जी तब भी सर यदि मतलब संपन्नता भी है तब भी जो है हमको मतलब परस्पर पूरकता और समृद्धि में भी हमें परस्पर पूरकता का तो भाव होना ही चाहिए, होना ही पड़ेगा ना। जब एक से दूसरे को मतलब जो सहयोग की भावना है एक दूसरे से वो एक व्यक्ति को ये लगेगा कि हाँ हम इसका सहयोग कर सकते हैं, हम एक दूसरे के पूरक है, तभी जब हर एक मानव में सही समझ और सही भाव होगा तो उसमें परस्पर पूरकता का भाव होगा या नहीं होगा। जी हाँ उसमें परस्पर पूरकता का भाव होगा जी, यदि और सही समझ होगी तो। जी जी कौन सी ऐसी चीज है जो छूट जा रही है जो हेलो, यदि चारों को लक्ष्य पूरा कर लेते तो क्या कुछ और आवश्यक होगा, वो मेरे को याद आ रहा है न्याय, न्याय की आवश्यकता होगी। अच्छा न्याय तो वही कहा कि भाई अगर पूरे समाज में अभय या विश्वास है तो अभी हमको कोई किसी से भय नहीं है। नहीं ऐसा कहते जरूर है ये, लेकिन न्याय की आवश्यकता पड़ती है। हम जब भी किसी भी किसी सुविधा समृद्धि को आगे बढ़ाते हैं तो उसमें कुछ विसंगति रह जाती है, उस विसंगति को दूर करने के लिए न्याय की आवश्यकता पड़ सकती है। देखिए अभी हम मानव की लक्ष्य की बात कर रहे हैं कि हर एक मानव जो है वो समाधानित होकर जिए सही समझ और सही भाव के साथ, हर एक साथ ही साथ जो भी परिवार हैं वो हर एक परिवार समृद्धि के भाव के साथ जी रहे हैं कि उनको क्लियर हो गया कि भाई मेरी क्या आवश्यकता है और कितने में पूर्ति होगी और उस हिसाब से जी रहे हैं, तो समाज में जो है वो अभय आ जाता है। और प्रकृति और अस्तित्व में सहस्तित्व, अगर ये चारों जब इसको लेकर चल रहे हैं तो इसके अलावा कुछ और बच रहा है क्या। अभी न्याय को देखें तो वो न्याय समाज में हो रहा है लेकिन उसको डिसाइड करने की कोई अथॉरिटी होना चाहिए, हो रहा कि नहीं हो रहा, यही तो है। मतलब हमको वो देखना होगा ना, सिर्फ हमारे कहने से समाधान हो गया इसके, मतलब यही हम, मेरा भी मानना है कि इस व्यवस्था को चलाने के लिए कोई तो रिव्यू अथॉरिटी हो, कोई देखने वाला हो, जब तो हम उसको आदर्श, ये तो आदर्श अवस्था कह रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। अभी तो वो मानव लक्ष्य की ही बात कह रहे हैं ना, अभी अभी क्या चल रहा है ये बात नहीं कह रहे हैं। ओके ओके हाँ लक्ष्य, हाँ ठीक, प्लान ठीक है, प्लानिंग के लिए ठीक है। ओके तो ये दिखता है कि ये चारों ही लक्ष्य आवश्यक है, अलग बात है। ओके ओके ठीक है। क्या हम इन चारों के लिए काम कर रहे हैं या किसी एक दो के लिए ही काम कर रहे हैं, हमारा जो चारों ही लक्ष्य के लिए हम काम कर रहे हैं या हमारा जो काम है वो केवल एक के लिए, या केवल परिवार में समृद्धि हो जाए, समाज में अभय हो जाए, प्रकृति में सहस्तित्व हो जाए, या हम चारों के लिए काम कर रहे हैं, अपने अपने पर बताएं। चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, अगर एक के लिए कर रहे हैं तो एक लिखते हैं, दो के लिए कर रहे हैं तो दो लिखते हैं, तीन के लिए कर रहे हैं तो तीन लिख दें। कुछ लोग कह रहे हैं कि तीन के लिए, कुछ लोग कह रहे हैं एक के लिए, कुछ लोग कह रहे हैं दो के लिए, कुछ लोग चारों के लिए भी काम कर रहे हैं, तो ऐसी बात ध्यान में। अच्छा कहां से शुरू करना ठीक रहेगा, अगर हर एक मानव को एक नंबर दें, हर एक परिवार को दो, समाज को तीन, प्रकृति अस्तित्व को चार, तो शुरू करना कहाँ से ठीक रहेगा, एक से, दो से, तीन से, चार से? हर मानव से ही सही रहेगा सर, एक से ठीक, सही समझ, ठीक। तो ये दिखता है कि भाई एक से या मुझसे खुद से शुरू करना जो है वो ठीक रहेगा। तो एक से दो, दो से एक से तीन, एक से चार,
सभी तरफ जो है वो जाया जा सकता है, ये बात ध्यान में आती है। लेकिन आज की स्थिति क्या है, या जो आधारभूत भ्रम हमने देख रहे हैं वो क्या है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी मान्यता ही सब कुछ, ऐसी कुछ मान्यताएं हमारे बीच हो गई हैं, जैसे कि धन ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, ना बाप बड़ा ना भैया, सभी से के मुंह में वो जो आगे की लाइन है, सबसे बड़ा रुपया, ये बात आ गई होगी। क्यों? क्योंकि ऐसी मान्यताएं हमारे में है, और ये मान्यताएं कुछ लोगों में है, ऐसा नहीं हर एक मानव में है कि पैसा ही सब कुछ है, धन ही सब कुछ है, ऐसी मान्यताएं हो गई हैं। अब कुछ मानव में क्या है, सुविधा संग्रह करना है किसी भी तरीके से, कैसे मेरे पास सुविधा हो जाए, एक इंग्लिश में कहते हैं ना बाय हुक और बाय क्रूक, किसी भी तरह से मुझे ये मिल जाए, इसके लिए जो भी जोड़ तोड़ लगाना पड़े ये मिल जाए बस मुझे, तो ये कुछ लोगों में हो गया है। अब जब हर एक मानव में ये हो गया है कि भाई पैसा ही सब कुछ है, कुछ मानव में ये हो गया कि भाई ये किसी भी तरह, कई बार होता है ना कि ये जमीन खरीदनी है जो पैसा हो दो, लेना ही है, लेकिन ये गाड़ी खरीदनी है जो पैसा हो दो, किसी भी तरह से मुझे ये चाहिए, ये घर खरीदना है, तो ये भी कुछ लोगों में हो गया है। तो इसमें हो क्या रहा है, इसका जो निकल कर आ रहा है रिजल्ट, वो निकल कर आ रहा है भोग उन्माद, लाभ उन्माद और काम उन्माद, ये तीनों चीजें निकल कर आ रही हैं। और साथ ही साथ जब समाज पर देखते हैं तो समाज में क्या है, जब लोग एक दूसरे का ये दिखता है कि भाई किसी भी तरह से वो मुझे मिल जाए, सुविधा हो जाए, तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, वहां पर हम शासन कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, भय कर रहे हैं, हो रहा है, ये सारी चीजें समाज में दिख रही है। और इसका जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है वो कहीं ना कहीं आतंकवाद, संघर्ष, युद्ध, नक्सलवाद, ये सारी चीजें निकल कर बाहर आ रही है। इसके आधार पर प्रकृति और में पर हमारा विजय करने का, दोहन करने का, शोषण करने का है कि भाई हमको लगता है ये पहाड़ यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा है, ये पहाड़ को हटा दो, यहाँ पर हम मॉल बनाएंगे ज्यादा पैसा आएगा, ये जंगल यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं, ये जंगल को तोड़ दो, इनको तोड़ देंगे तो यहाँ पर जो है वो ज्यादा पैसा आ जाएगा, इस तरह का प्रकृति पर हम करते हैं, तो संसाधनों का बहुत सारा प्रदूषण होता है, ये बात ध्यान में आती है। इतना सब जो है वो चलता रहता है, ये बात ध्यान में हमको आ रही है। अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न है तो वो हम लोग ले सकते हैं। डॉक्टर अतुल कुमार रायजादा जी। जी सर नमस्ते। जी नमस्ते सर, आवाज आ रही है सर? जी जी सर। हाँ सर नमस्कार, मैं सुबह से आपका सम्मिलित होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपको आपने मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप बता देंगे? हाँ, मेरा एक निवेदन था कि जो सुबह आप एक बात चला रही थी बच्चों पर, बस उसी संदर्भ में अगर आप आदेश करें तो मैं बोल सकता हूँ, अनुमति हो तो। जी बोले बोले जी। उसमें सुबह ये बात चल रही थी कि जैसे आजकल क्या न्यूट्रल फैमिली हो गई है, तो उसमें अपन जैसे अगर सोचे कि ज्वाइंट फैमिली में जब रहते हैं तो उसके जब दादा दादी जी जब रहते हैं बच्चों के, तो उस अब जो बच्चे जो मतलब न्यू जनरेशन आ रही है और जो मम्मी पापा हैं उनके साथ में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। उसका विशेष कारण ये कि दादा दादी बिना सोचे समझे बच्चे का फेवर करने लगते हैं, तो कई जगह जो बच्चे के माता पिता होते हैं वो ये सोचते हैं कि मेरे बच्चों का अब सही ढंग से उनका केयर नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं वो बाबा दादी को दोषी मान लेते हैं। तो इस पर मैं मार्गदर्शन चाह रहा था कि क्या ये सही है माता पिता का सोचना, थोड़ा सा अगर इस पे आप प्रकाश डालें तो मेरे लिए बहुत अच्छा लगेगा। भैया हम लोग अभी बस इसके आगे थोड़ा सा शिक्षा संस्कार पर बात करेंगे, तो वहां पर हम इस चर्चा को अभी लेते हैं, जो आपका प्रश्न है उसको हम लोग लेते हैं। ओके सर, थैंक यू जी। अगर इस मानव लक्ष्य से और आधारभूत भ्रम जो हमने पाल लिया है इससे रिलेटेड अगर कोई बात अपनी रखना चाहे
तो वो भी रख सकते हैं। राज लक्ष्मी जी हैं, सुनील चोपड़ा जी हैं, संतोष जी हैं। जी जी आपने ये बिल्कुल सही कहा, ये चीजें बिल्कुल हो रही हैं और ज्यादातर व्यक्ति इन्हीं मान्यताओं में लगा हुआ है। हर मानव में यही चीज आ गई है कि वो धन कैसे प्राप्त करे और अपना अस्तित्व कैसे जमाए। ये जो आप सीक्वेंस बता रहे हैं ये बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि बिल्कुल सही आप सीक्वेंस बता रहे हैं। अब इसकी आगे चल के उसको कैसे सुधारा जाए बात अलग है। जो आज के युग में हो रहा है जी, तो ये ध्यान में आता है कि भाई अभी तो ऐसा समाज में जो है वो ध्यान में आ रहा है, जबकि समाज में रहते हुए मानव का लक्ष्य कौन सा है, जो पीले में बना है वो या जो काले में बना है वो। अब लक्ष्य तो वही है जो पीले में बना है, लेकिन वो लक्ष्य पूरा हो कर रहा है। आदमी इसी तरफ ज्यादा भाग रहा है काले में बने हुए चीजों की तरफ। ठीक बात है। और अच्छा, हमको सहज स्वीकार क्या है, पीला वाला या काला वाला, इसको भी बता। स्वीकार तो पीला रहेगा। पीला है, ठीक बात। तो अभी अगर हम अपने पर ध्यान नहीं दे पाए हैं, हम मान्यताओं से गवर्न हो रहे हैं, तो हमने समाज में रहते हुए मानव का लक्ष्य ये काला वाला जो है ये दिख रहा है, जबकि सहज स्वीकार ये है कि जो पीले में बना हुआ है कि हर एक मानव में समाधान हो जाए, हर परिवार में समृद्धि हो जाए, समाज में अभय हो जाए, प्रकृति और अस्तित्व में सह अस्तित्व हो जाए, ये लक्ष्य दिखाई देता है। अब ये पूरा कैसे हो सकता है, इस पर भी चर्चा कर ले कि भाई ये जो मानव लक्ष्य है ये पूरा कैसे हो सकता है। अभी अगर ये जो बात हुई कि सहज स्वीकृति के आधार पर देखें तो ये पीला वाला हमको सहज स्वीकार है, पर मान्यता और संवेदना के आधार पर देखें तो ये काला वाला जो है तो ये अभी की स्थिति के आधार पर दिखता है कि ये है। अब अगर हम देखने जाते हैं कि मानव लक्ष्य को कैसे पूरा किया जा सकता है, तो ये बात ध्यान में आती है कि एक प्रस्ताव है, ये पांच स्तरीय मानवीय व्यवस्था है, शिक्षा संस्कार, स्वास्थ्य संयम, उत्पादन कार, न्याय सुरक्षा और विनिमय कोष। इन पांच आयाम से ये जो हमारा लक्ष्य है जो हमको सहज स्वीकार है उसको पूरा किया जा सकता है। जो शिक्षा संस्कार है, कल से इस पर या पहले दिन सर इस पर बात हो रही है कि भाई शिक्षा संस्कार कैसा हो, किस तरह से बढ़े, जो शिक्षा संस्कार है उसको मौलिक आयाम कहा, ये सबसे बेसिक है। वो शिक्षा संस्कार से अगर देखें तो हर एक मानव में समाधान यानी कि सही समझ और सही भाव, इसकी पूर्ति होती है। स्वास्थ्य संयम और उत्पादन कार्य से अगर देखें तो हर एक परिवार में समृद्धि जो है इसकी पूर्ति होती है। जब हम न्याय को देखते हैं तो जो समाज में न्याय की बात है कि भाई अभय या विश्वास हो जाए, वो न्याय की पूर्ति होती है। विनिमय कोष को देखें तो वहां से हर एक परिवार में समृद्धि के लिए भी वो पूर्ति करता है। साथ ही साथ सुरक्षा को देखें तो वो जो प्रकृति और अस्तित्व में जो सह अस्तित्व है, परस्पर पूरकता है, इस चीज को पूर्ति में लगता है। साथ ही साथ उत्पाद स्वास्थ्य संयम और उत्पादन कार्य जो है वो भी प्रकृति और अस्तित्व के लिए भी सेकेंडरी रूप से काम करता है, और विनिमय कोष भी जो है वो सेकेंडरी रूप से समाज के लिए भी जो है वो काम। तो हम लोग इसको एक एक करके जो है वो देखते हैं, और मुख्यतः ऑनलाइन वर्कशॉप में तो हम लोग केवल जो शिक्षा संस्कार है इसी को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। कभी लंबी चर्चा होगी तो वहां पर हम लोग जो है बाकी सारी बातों को जो है वो आगे करेंगे, इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ तक अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो उसको ले सकते हैं। जिन्होंने अभी तक बात नहीं की हो, राज लक्ष्मी जी हैं, श्रद्धा दुबे जी हैं। जी सर नमस्ते, मैं श्रद्धा दुबे। सर मैं ये बात कहना चाहूंगी कि सर पहले तो हम सहज स्वीकृति से ही जीवन अपना शुरू करते हैं ना, जैसे हम पैदा होते हैं सर,
फिर धीरे 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 सर जब हम बड़े हो जाते हैं या हमारे साथ ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं घट जाती हैं, तो फिर वो अविश्वास होना और क्या मतलब बहुत सारी चीजें एक एक धारणा के तहत बनती चली जाती हैं। तो सर जैसे कि कभी अभी कल एक भैया ने कहा था कि कोई गरीब हमारी सीट में आके बैठ गया, हम एसी में है, तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि वो चोरी ना कर ले। तो सर पहले तो कभी नहीं था ऐसा, पर जब एक बार ऐसी घटना घट गई तो फिर ये धारणा बन गई हमारी। मेरे साथ सर ऐसा हो चुका है एक्चुअली, मेरा सोना चोरी हो गया था सर, 4-5 लाख रुपए का करीबन। तो सर अब मेरी धारणा ऐसी बन गई है कि जैसे मैं मतलब मैं बहुत अब सतर्क रहने लग गई हूँ कि कोई आया तो अपना सामान और ज्यादा जबरदस्ती उसको छुपाना, ये करना वो करना। तो सर ये सारी चीजें बाद में आती हैं मुझे लगता है, सहज तो हम पहले से ही रहते हैं सुलझे हुए सुधरे हुए, फिर सर धीरे धीरे जब हमारे साथ कुछ कुछ होती हैं चीजें तो होता है। अब सर हम अब उनको फिर से कैसे ठीक करें, ये चीज थोड़ा सा मैं समझना चाह रही हूँ जी। अभी देखिए जब भी हम एक बात थोड़ी क्लियर कर लें जी सर। हेलो, नहीं मैं कह रहा हूँ आपने बोला 4-5 लाख का मोबाइल, नहीं नहीं सोना, सोना सर, सोना। अच्छा जी, सोना चांदी सर मेरे, सोना चांदी। जी अच्छा, ओके ओके ओके, कैरी ऑन जी। तो अभी जो ये बात हो रही है ना कि जब भी हम लोगों के साथ जीने जाते हैं तो जीने का कुछ कार्यक्रम बनाते हैं, वो कार्यक्रम हम चाहना को देखकर बनाएं या योग्यता को देखकर बनाएं, क्योंकि चाहना तो सबकी हर एक जैसी है, सबकी एक ही चाहना है। तो चाहना को देखकर अगर कार्यक्रम बनाएंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। तो ये बात ध्यान में आती है कि जो जीने का कार्यक्रम बनेगा तो वो योग्यता के आधार पर ही बनता है। जैसे एक बच्चा है, छोटा है वो, तो उसको हम ये नहीं कहते कि जाओ गाड़ी से जाओ सामान ले आओ, हम उसको ये कहते हैं कि ये थाली ले जाओ, इसको किचन में रख दो, किचन से कोई थाली ले आओ, बाहर पेपर पड़ा है वो पेपर ले आओ। हम उसको छोटे छोटे टास्क बताते हैं, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी योग्यता कम है। ठीक, हम हरेक से हरेक काम कर ले रहे हैं ऐसा भी नहीं है। तो योग्यता के आधार पर मानव के साथ जीने का कार्यक्रम बनता है। अब अभी जिस व्यक्ति को हम नहीं जानते हैं, जिस व्यक्ति से हम नहीं मिले हैं, वो व्यक्ति भाई कम योग्य भी हो सकता है, ज्यादा योग्य भी हो सकता है, दोनों ही हो सकती है। पर हम जो भी सामान के साथ जा रहे हैं या जो भी इस तरह का है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई हम ध्यान दें। कहीं ना कहीं हम ध्यान नहीं दे पाए और सामने वाले को कुछ मौका मिला, सामने वाले में पहले से ही सुविधा को लेकर बहुत सारी मान्यताएं थी कि भाई सुविधा मिल जाती तो ऐसा हो जाएगा वो हो जाएगा, और सामने वाले ने उस मौके को ले लिया, वो ऐसा कुछ हुआ। इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि मुझे लगता है कि हर एक मानव जो है उसकी योग्यता कम है। ये बात ध्यान में आती है इससे कि ऐसे भी मान्य हो सकते हैं जिनकी योग्यता कम हो, ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी योग्यता ज्यादा होगी। तो जो जीने का कार्यक्रम बनेगा तो वो तो मानव की योग्यता के आधार पर बनता है। और योग्यता हम जब देखने जाते हैं किसी भी मानव की, तो वो 5 पैरामीटर से देख पाते हैं। उसका आहार कैसा है, उसका विहार कैसा है, उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उसका कार्य कैसा है, उसकी व्यवस्था में भागीदारी कैसी है, वो किस तरह भोजन कर रहा है, उसकी दिनचर्या कैसी है, उसका लोगों के साथ व्यवहार कैसा है, बड़े बुजुर्गों के साथ व्यवहार कैसा है, बच्चों के साथ व्यवहार कैसा है, जवान के साथ व्यवहार कैसा है, महिला के साथ व्यवहार कैसा है, पुरुष के साथ व्यवहार कैसा है, इससे समझ में आता है। फिर उसका कार्य कैसा है, वो किस तरह के काम कर रहा है, दिनचर्या में किस तरह के काम कर रहा है, इससे फिर एक जो बड़ी व्यवस्था में उस व्यक्ति की क्या भागीदारी है, इन 5 आधार पर हम ये तय कर पाते हैं कि उस व्यक्ति की योग्यता कैसी है। जैसी योग्यता होती है उसके आधार पर जीने का कार्यक्रम बनाते हैं। ये बात ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि सर बाहर तो हमें नहीं समझ में आता कि कौन कैसा। हमने तो सर दया भाव में ऐसा किया कि आप आकर बैठ जाइए, मतलब आप भी एसी में चढ़ सकते हैं, हम भी चढ़ सकते हैं, अगर गरीब है अमीर है तो भी। हमारे दिमाग में तो ऐसा कुछ नहीं था सर, फिर भी आप चढ़े और आपके आपके द्वारा हमारे साथ ऐसा किया गया। तो फिर सर दोबारा वो विश्वास बनाना, वो धारणा। आपकी आवाज कुछ ब्रेक हो रही है दी। हेलो, अजय भैया आवाज दी नहीं, दीदी की आवाज आ रही है भैया?
क्लियर है? हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? जी भैया, आप तक पहुंच पा रही है आवाज? हाँ, आवाज आ रही है सर। जी सर, मुझे भी सर की नहीं, मुझसे अभी आ रही है दिलशाद भैया आप तक? हाँ अभी आ रही है, अभी ठीक आ रही है। हेलो जी दीदी। जी भैया अभी आ रही है? हेलो हाँ अभी आ रही है। जी भैया, ये बोल रही हूँ कि जैसे गरीबों के लिए, सर हमारे दिमाग में तो ऐसा कुछ नहीं था कि गरीब है अमीर है, हमने एक दया भाव में या अपने बराबर समझ के आपकी हेल्प की कि चलिए आप भी ठीक है आ जाइए, अनजान व्यक्ति के साथ जैसे देखा कि गरीब है चलो ठीक है तो, बट सर उनके द्वारा ऐसा किया गया तो अब सर दोबारा से वो विश्वास बनाना और गरीबों के मतलब उनको देख के, तो वो चीज थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, वो धारणा को बदलना, वो विश्वास बनाना कि हमारे साथ ऐसा हुआ। हमने ऐसा मान लिया है कि गरीबों की योग्यता, अब हमारे में एक ऐसी मान्यता हो गई कि गरीबों की योग्यता कम होती है। जी वो घटना घटने के बाद सर ऐसा हुआ मेरे साथ। सर वही कोई व्यक्ति जो है, एक दूसरा व्यक्ति होता वो सामान लेकर आपका वापस ला के दे देता तो फिर एक और मान्यता बन जाती कि हर एक ऐसे नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये दिखता है अभी हमारा फोकस भी है वो क्या है ना, हमारा जो केंद्र है वो भी सुविधा को लेकर ही है कि सुविधा जो है उसकी चूक हो गई तो हम इतने परेशान है, लेकिन जब भाव की चूक हो जाती है तब भी क्या हम इतने परेशान होते हैं? नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सुविधा हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी लेकिन भाव की चूक पर हमको बहुत समस्या नहीं होती, हमको लगता ठीक है ये तो चलते ही रहेगा। अभी 500 रुपए कहीं गिर गया तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो अपने में जांच परख करके देखें कि क्या हमने कह तो रहे हैं हमारे लिए भाई सुविधा महत्वपूर्ण नहीं है, थर्ड प्रायोरिटी पर है, केवल वो वर्कशॉप में कहने के लिए है, यहाँ पर बोलने के लिए है, या अपने जीवन में भी है, इसको भी हम अपने में देख लें। जी सर जी जी ठीक, थैंक यू सर जी, धन्यवाद। तो हम लोग इस सत्र में कोशिश करते हैं कि शिक्षा संस्कार के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लें, और काफी बार इस पर बात हो चुकी है, मतलब उठी है कि भाई शिक्षा संस्कार क्या है, इसको कैसे रखें। तो हम लोग अभी इस सत्र में अगले जो आगे है शिक्षा संस्कार पर बात करते हैं। तो शिक्षा संस्कार को कहा मूलभूत प्रबंध या प्रणाली, शिक्षा को कहा मानव के होने के चारों स्तर पर व्यवस्था की सही समझ को विकसित करना, इसको कहा शिक्षा। और मानव के होने के चारों स्तर कौन कौन से हैं? स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक, व्यक्ति परिवार समाज और प्रकृति अस्तित्व, इन चारों की जो समझ हो जाए उसी को कह रहे हैं शिक्षा। कल से और पहले दिन से ही शिक्षा के ऊपर बहुत सारा कि शिक्षा किसको कहेंगे। तो मानव के जो होने की चारों स्तर है वहां पर कोई व्यवस्था है, हार्मनी है, उसकी यदि मुझ में समझ हो जाती है उसको हम कह रहे हैं शिक्षा। अब संस्कार क्या है? इस समझ होने के बाद इन चारों स्तरों पर जीने की कुछ निष्ठा होगी, कुछ तैयारी होगी, उसका कुछ अभ्यास होगा, इसको हम कह रहे हैं संस्कार। हमने चारों स्तर की व्यवस्था को समझ लिया, लेकिन अब जीने जाएंगे तो वहां पर चारों स्तर पर व्यवस्था में जीने की निष्ठा, तैयारी एवं अभ्यास, इस क्रम में सभी स्तरों पर व्यवस्था में जीने के लिए कौशल और तकनीक सीखना शामिल है, स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक, इसको कह रहे हैं संस्कार। समझने को कह रहे हैं शिक्षा, सीखने को कह रहे हैं संस्कार। तो इस पर यदि कोई प्रश्न हो तो एक छोटा सा प्रश्न जल्दी से ले सकते हैं जिनसे अभी तक हमारी चर्चा नहीं हुई है, उनसे बात कर लेते हैं, और संस्कार या शिक्षा के ऊपर अगर कोई प्रश्न है तो वो ले सकते हैं। सुरेंद्र सिंह परिहार जी हैं। जी सर नमस्ते। नमस्ते
सर संस्कार ये बात तो समझ में आ गई जैसा आपने बताया। इसके अलावा दो चीजों को और संस्कार के नाम से जानते हैं, जैसे एक तो 16 जो संस्कार होते हैं जो पहले हमारे सभ्यता में थे उनको भी हम संस्कार कहते हैं, और हमारी जो हैबिट्स होती हैं उनको भी संस्कार कहते थे। आपने जो बताया और ये दो, इन तीनों में क्या भिन्नता है? अभी जो यहाँ पर संस्कार की बात कर रहे हैं वो तो इस बारे में कह रहे हैं कि भाई जब भी हम जीने जाते हैं तो हमारी कुछ व्यवस्था को देखते हुए जो तैयारी हुई है, इस चारों स्तर की व्यवस्था को देखते हुए हमने कहा कि भाई व्यवस्था ये है कि हमको जैसे कि भाई मानव के लिए भोजन की आवश्यकता है तो भोजन करने के लिए हमको भाई खेती करनी पड़ेगी, तो खेती को सीखा। तो ये जो खेती को सीखा हमने किस तरह से करे उसको हम कह रहे हैं एक तरह से स्किल है वो, एक उसको हम कह रहे हैं संस्कार, इस तरह के संस्कार। तो इस तरह से हम उसको कह रहे हैं संस्कार। अब जो आप 16 संस्कार कह रहे हैं तो मुझे लगता है आपको 16 संस्कार बताने पड़ेंगे, तब फिर हम इसको मैच करा पाएंगे कि भाई इसमें वो है या नहीं है या किस तरह से बात है, ये बात निकल कर आती है। जैसे तो, मतलब हमारी प्राचीन मान्यताओं में है विवाह संस्कार हो गया और भी ऐसे कुछ होते हैं, एक तो इनको भी हम संस्कार कहते हैं, और एक जो हमारी हैबिट्स होती हैं कि इस बच्चे के ऐसे संस्कार हैं, इनके संस्कार ऐसे हैं, तो हैबिट्स को भी हम कभी कभी संस्कार के ही नाम से बुलाते हैं। थोड़ा सा अंतर स्पष्ट इनमें नहीं हो पा रहा था। अभी जो संस्कार की बात तो ये भी कह रहे हैं कि भाई जो बच्चे में हैबिट है, तो ये दिख रहा है जो संस्कार वाला पोर्शन है वो सेल्फ में रहेगा या शरीर में रहेगा, क्या लगता है आपको? सेल्फ में रहेगा सर। सेल्फ में रहेगा है? और ये दिखता है कि सेल्फ तो निरंतर है, सेल्फ तो निरंतर बना हुआ है, तो उसके संस्कार जो है वो जैसा पहले भी बात हुई थी आज सुबह के सत्र में कि वो संस्कार जो है वो व्यक्ति के पिछले संस्कार, उसका अध्ययन और उसके वातावरण के आधार पर घटते बढ़ते हो सकते हैं, उस आधार पर वो तय हो रहा है। वही कोई बार हमने कहा कि भाई ये बच्चा है ये अच्छा काम कर रहा है, यही उसका भाई ये ठीक नहीं कर रहा है, तो हो सकता है भाई उसका क्या संस्कार है, उसका अध्ययन क्या है, उसका वातावरण क्या है, ये सभी चीज है। कई बार हम कहते हैं कि भाई एक ही स्कूल में पढ़ रहा है, भाई एक ही स्कूल में पढ़ रहा है, हो सकता है अलग अलग क्लास में हो। कई बार हम कहते हैं कि भाई एक ही क्लास में है, दो जुड़वा बच्चे हैं, उनके संस्कार भी अलग अलग हो गए हैं, भाई वातावरण किस तरह का मिल रहा है, उसकी कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है, पिछला संस्कार कैसा है, ये सारे मुद्दे हैं, तो वहां से हम ये तय कर पाते हैं। ठीक है ये सुरेंद्र जी? जी सर, जी सर, जी सर, धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये कहा शिक्षा कि मानव के होने के जो चारों स्तर हैं उसकी व्यवस्था को समझ लेना, को विकसित करना, उसको कह रहे हैं शिक्षा, और उसके स्तर में जीने की जो निष्ठा, तैयारी और अभ्यास, उसको कह रहे हैं संस्कार। अब शिक्षा क्या है? सही समझ विकसित करना। संस्कार सही जीने के लिए निष्ठा, अभ्यास एवं तैयार में कौशल एवं तकनीक सीखना शामिल है। निश्चित मानवीय आचरण के साथ जीने की योग्यता का विकास अनुशासन और स्व अनुशासन। आवश्यकता क्या दिखाई देती है? सही समझ यानी कि स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक की हो जाए, और सही भाव हर एक मानव के साथ संबंध पूर्वक जीने का भाव, इसकी आवश्यकता मुझे दिखाई देती है। हर एक मानव में सही समझ हो जाए, सही भाव हो जाए, और समृद्धि के लिए सही कौशल यानी कोई जो भौतिक सुविधा मुझे चाहिए उसकी पहचान हो जाए, और उसको अपने में पूरी करने के लिए मुझे क्या जरूरी है उसको पूरा करने के लिए आवर्तनशील विधि से उत्पादन करने के लिए कुछ कौशल और अभ्यास इस तरह से हो जाए। आवर्तनशील इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आवर्तनशील नहीं होगा तो फिर वो परंपरा दर परंपरा, पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी, इसीलिए कह रहे हैं साइक्लिक अगर वो रहे तो वैसा उत्पादन का कौशल और अभ्यास हो जाए। जो परिवार में हम देखते हैं एक बच्चा पैदा होता है, अगर जो विकास की पूरी प्रक्रिया देखें तो वो किस तरह सी है। परिवार में जो बच्चा पैदा होता है जो दिखता है कि उसमें एक अनुसरण रहता है, अनुसरण और अनुकरण,
तो परिवार में जो भी बात रहती है, 2 साल 3 साल का छोटा बच्चा रहता है, वो सीधे सीधे बातों को मानने के लिए तैयार रहता है। आप 1 साल का बच्चा है, आपसे जो सवाल पूछता है कि चांद ऊपर क्यों है, ये सूरज इधर क्यों है, ये पेड़ ऐसा क्यों है, आप जो भी उत्तर दो आपको वो क्वेश्चन नहीं करता है, नहीं ऐसा क्यों है, फिर ऐसा क्यों, वो सीधे सीधे आपकी बात को मानने लगता है। तो बच्चा एक सीधे सीधे अनुसरण से शुरू करता है। साथ ही साथ अनुकरण क्या है, अब अनुकरण में वो अपना भी कुछ इनपुट दे, जैसे आपने पेन खोला, अब पेन का ढक्कन आपने खोल लिया, अब वो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा कि पेन का ढक्कन कैसे खोलें, तो उसको हो सकता है घुमा भी रहा हो, खींच भी रहा हो, दांत भी लगा रहा हो, ये सब वो कर रहा है। तो उसमें अपना भी कुछ जब इनपुट मिला देता है बच्चा, तो उसको कह रहे हैं अनुकरण। ये 2-4 साल 5 साल की उम्र तक बच्चा जो है वो कर रहा है, और इसके साथ साथ अगले स्टेप में वो आज्ञा पालन और अनुशासन का काम भी करता है। आज्ञा पालन क्या है, आपने कहा पानी ले आओ, वो पानी ले आया, आपने कहा थाली उधर रख दो, वो थाली रख दिया, आपने कहा पेपर ले आओ, वो पेपर ले आए, आपकी आज्ञा का पालन कर रहा है। अनुशासन का मतलब क्या है, आपने कहा कि सुबह 6 बजे उठना है, सुबह नहाना है, बैग रखना है, स्कूल जाना है, आके कपड़े बदलने हैं, खाना खाना है, जूता रखना है, किताब बैग में रखना है, आपने कुछ कई सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए, अब उसको बच्चा फॉलो कर रहा है तो आप कह देते हैं कि अनुशासन में है, फॉलो नहीं कर रहा है तो आप कह देते हैं कि बच्चा अनुशासन में नहीं है। अब यहां से वो बच्चा जो है वो स्वयं में जांच परख करने का काम भी शुरू होता है। अभी तक क्या था कि वो केवल आप ही को देख रहा था, अब वो टीचर को भी देखने लगा है, समाज में और भी लोगों को देखने लगा है। अभी जैसे आपने बच्चे से बोला कि झूठ नहीं बोलो, उसने कहा ठीक है भाई झूठ नहीं बोलेगा बोलेंगे, लेकिन वो ये भी देख रहा है कि किसी दिन कोई अंकल आए और पापा कह दे रहे हैं कि जाओ कह दो अंकल से कि पापा घर पे नहीं है, वो बच्चा ये भी कह देता है कि पापा कह रहे हैं पापा घर पे नहीं है। जब वापस आए वो अंकल अंदर भी आ गए, क्या आप तो बच्चे के साथ जो है मजाक करते हैं, वो बैठे, जब अंकल गए तो बच्चे को थप्पड़ भी पड़ गया। बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, पिताजी कह रहे हैं कि झूठ मत बोलो, मैंने लेकिन जो पिताजी ने बोला वही किया, उसके बाद भी मुझे थप्पड़ भी पड़ गया, क्या है। तो वो इस जांच परख में पिताजी को गलत पाता है। कोई भी व्यक्ति गलत व्यक्ति से सीखने समझने को तैयार नहीं होता, तो वो शिक्षक को देखता है। शिक्षक जो है वो उसके सामने 2 घंटे 3 घंटे के लिए है, और उसने समय में मुखौटा लगाए हुए है कि भाई ये पोयम याद कर लो, ये ऐसा कर लो, ये ऐसा कर लो। तो इस तरह से वो शिक्षक को देखता है कि भाई शिक्षक किस तरह से बात को कर रहा है, तो उसको लगता है कि शिक्षक भी ठीक व्यक्ति है। और आप देखिए धीरे धीरे हमको अपने बच्चे को ये बात कहनी पड़ती है, ढंग से रहो नहीं तो टीचर से शिकायत कर देंगे। यानी हमारा खुद का बच्चा हमारी बात नहीं मान रहा है और हमको ये उसको कहना पड़ता है कि हम टीचर से शिकायत कर देंगे, टीचर के पास ले जाएंगे। और बच्चा टीचर के प्रति एक आश्वस्ती है तो वो डरता भी है, हालांकि ये भ्रम धीरे धीरे टूट जाता है। अब वो लेकिन जांच परख करने में पिताजी को सही पा लेता है, भाई पिताजी सही है ऐसा वो कह रहे हैं, कह रहे हैं झूठ नहीं बोलो, और वो भी झूठ नहीं बोल रहे। वो बच्चा जब जैसे ही अपने घर परिवार में और शिक्षक को ठीक ठीक पा लेता है, वो बच्चा स्व अनुशासन में आ जाता है, उस बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। हमको अब बच्चे को बताना नहीं पड़ता है, बच्चे पर हमको शासन नहीं करना पड़ता है, बच्चे को हमको डांटना चिल्लाना नहीं पड़ता है, वो बच्चा स्व अनुशासन में आ जाता है, उसमें आत्मविश्वास जो है वो हो जाता है, और वही आत्मविश्वास फिर अगली पीढ़ी में आता है। इस तरह से जो अगली पीढ़ी है वो और समझदार जिम्मेदार बन के निकल कर आती है। लेकिन वही जांच परख करने में अगर बच्चे ने गलत माना, तो वो बच्चा जो है वो मनमानी करने लगता है, और मनमानी बच्चा शुरू करता है। हम बच्चे पर शासन लगाते हैं, हमको लगा कि बताओ ये अभी तक तो ठीक था, जब से
उनके बच्चे के साथ खेलने लगा है, ये जो है अपनी मनमानी करने लगा है। हमको अपनी बात नहीं दिखती है, हम भी नहीं कहां गड़बड़ी करी, हमको ये लगता है कि बच्चा गड़बड़ी कर रहा है। हम मनमानी करने लग, बच्चा मनमानी करने लगता है, हम उस पर शासन लगाए, बच्चे की मनमानी और बढ़ी, वो द्रोह में बदल गई, हमने और अपना शासन टाइट किया, फिर वो विद्रोह और संघर्ष और युद्ध तक की स्थिति बढ़ती है। किशोरावस्था में दिखता है बहुत सारे बच्चे नहीं सुन रहे पिताजी की आवाज लगा रहे, वो नहीं सुन रहे कि पिताजी क्या बोल रहे क्या कर रहे, और अभी भी लेकिन बच्चे में एक डर तो है ही कि भाई जो स्कूल की फीस है, जो भी सुविधा चाहिए वो पिताजी दे रहे हैं, तो एक डर बना रहता है। लेकिन जहां नौकरी मिल जाती है अब ये भी सब बदल जाता है, अब ये लगता है कि भाई टीवी का रिमोट मेरे पास रहेगा, सुबह अखबार आया तो पहले मैं पढ़ूंगा, ऐसा सब होने लगता है। पिताजी भी कहते हैं कि ऐसा ना हो लड़का हाथ से निकल जाए, कहीं और रहने लगे, कुछ और ना कर ले, ठीक है भाई कर लो, ऐसी स्थिति चलती रहती है। फिर कुछ लोग आके बोलते हैं कि भाई ऐसा है लड़के की शादी करा दो, अब बच्चे की शादी करा दो। अब वही शादी हो गई, अब जो पत्नी आई है या पति है मिले हैं वो भी इसी क्रम से गुजरे हैं पूरे, तो शुरुआत में तो ठीक लगता है, धीरे धीरे उसमें लड़ाई झगड़ा ये सब शुरू होने लगता है, और इसी सब लड़ाई झगड़े के बीच अगली पीढ़ी भी आ जाती है, और वो अगली पीढ़ी फिर जीरो से शुरू करती है, फिर वही अनुसरण और अनुकरण से शुरू होती है। अभी ये दिखता है कि हमारे पिताजी की टेंशन कम थी, हमारे पिताजी का ऑफिस का झिकझिक कम था, हमारे पिताजी का बाजार का जो टेंशनबाजी है किचकिच है ये सब कम था, लेकिन हमारा तो ये ट्रैफिक का झंझट भी बढ़ गया है, बाजार का किचकिच भी बढ़ गया है, ऑफिस का झंझट और बढ़ गया है। अभी हम अपनी जो अगली पीढ़ी आ रही है उसके साथ और जिम्मेदारी से पेश नहीं आ पा रहे, और गैर जिम्मेदारी के साथ पेश आ रहे हैं। जब हमको ये दिखता है कि हमारा बच्चा ही बहुत सारी गड़बड़ी करता है तो हम ध्यान में आता है कि हमने भी अपने पिताजी के साथ अपने माताजी के साथ किस तरह की गड़बड़ी की। लेकिन पिताजी और माताजी को तो हम वृद्धाश्रम भेज चुके हैं, उन्होंने हमको हॉस्टल भेजा था, हमने उनके हॉस्टल भेज दिया है, एसी वाला हॉस्टल है, 5-स्टार हॉस्टल है। कई बार वापस जाकर सोचते हैं कि भाई पिताजी से मिला जाए, कई बार पिताजी मिलते भी हैं, कई बार नहीं भी मिल पाते हैं, ऐसा सब भी ध्यान में आता है। तो अभी क्या हो रहा है, हर नई पीढ़ी जो है वो पहली पीढ़ी से कम विकसित हो सकती है। क्यों? क्योंकि स्वयं में अधिक अंतर विरोध है, परिवार के साथ अधिक विरोध है, समाज के साथ अधिक संघर्ष है, प्रकृति अस्तित्व के साथ और अधिक संघर्ष में। अगर ये दोनों स्थिति को देखें तो जो संबंध पूर्वक जीते हैं हम, और बच्चा जांच परख करके सही पा लेता है, तो वहां से जो बच्चे का जीना है वो भी ठीक होता है, जो अगली पीढ़ी है वो भी और सही समझदार जिम्मेदार निकलकर सामने आती है। लेकिन अगर बच्चा जांच परख करने में हमको गलत पाता है और वहां पर गलत होने के बाद हम उसमें शासन करने लगते हैं, वहां से जो अगली पीढ़ी होती है वो सही समझ और सही भाव के अभाव में माता पिता एवं अध्यापकों के साथ संघर्ष के वातावरण में जीती, ऐसा सब हमारे साथ जो है वो निकल कर आता है। अब हम ये देख लें कि जो हमने किस तरह से जिया है और हमारा बच्चा किस तरह से जी रहा है, दोनों स्थिति को हम देख लें। अभी हमको लगता है कि हमारा बच्चा इस तरह से जी रहा है या इस तरह से जी रहा है, हमारी क्या स्थिति थी वो भी देख लें, तो हम उस स्थिति में और अच्छे से और जिम्मेदारी पूर्वक बच्चे के साथ जी सकते हैं, उसकी हमको जो है वो क्लैरिटी हो पाती है। इससे रिलेटेड एक प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। हमारे साथ ज्योत्सना सूद जी हैं। जी ज्योत्सना जी, सुनीता शर्मा जी भी हैं, अमिता होसले जी भी हैं। जी सर। जी
बताइए अमिता जी। सर सही कह रहे हैं सर, मैं बस सुन रही थी सर, क्वेश्चन का मैंने आंसर भी दे दिया है, यही कि सर मतलब एक भय मुक्त वातावरण होना चाहिए घर में। जी सर, मेरा अभी कॉलेज छूट रहा है ना, तो सर मैं इसलिए थोड़ा सा ठीक। थैंक यू सर। जी ज्योत्सना जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी मैं यही कहना चाहूंगी, परिवार का वातावरण एक तो बच्चों के साथ बिल्कुल मित्रता पूर्ण होना चाहिए, माँ बाप घर के जो बड़े हैं उनका बच्चों के साथ मित्रतापूर्ण वातावरण होना चाहिए, और विद्यालयों में भी जो आजकल भय का और अनुशासन का वातावरण बिल्कुल खत्म हो गया, भय का वातावरण है वहां पर और कमांडिंग चल रहा है सब कुछ शासन, तो वो थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो घर का वातावरण तो मैं अपने घर में मेरा जो एटमॉस्फेयर है मेरा बिल्कुल बच्चों के साथ मित्रता पूर्वक वातावरण है, तो उसमें बच्चे अपने समस्याओं को अच्छी तरह से हमारे साथ शेयर कर पाते हैं अपने माँ बाप से, तो थैंक यू सो मच, यही कहना चाह रही थी। जी धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, तो अभी इस पोल का भी अगर रिजल्ट देखें तो शिक्षण संस्थानों में आज हमारे पास किस तरह का वातावरण है, तो ये दिखता है कि भाई शासन और भय का वातावरण है, जबकि ये किसी को भी सहज स्वीकार नहीं है, जो व्यक्ति उसको कर रहे हैं जो व्यक्ति इससे प्रभावित हो रहे हैं दिखता है किसी को भी सहज स्वीकार तो नहीं है, पर एक संबंध का वातावरण सभी को सहज स्वीकार है, पर ये दिख नहीं रहा है ना परिवार में ना समाज में ना शिक्षण संस्कार में, ये दिखता है बहुत सारी मान्यताएं आ गई हैं जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो ये शिक्षा संस्कार में आज हम कहाँ हैं इस पर बात हुई। अभी अगर मानवीय व्यवस्था को देखें, अगली पीढ़ी ज्यादा विकसित कैसे हो सकती है, तो अगर हम मानवीय शिक्षा पहुंचा पाते हैं अगली पीढ़ी तक, समझ भाव जीना इसको पहुंचा पाते हैं, तो अगली पीढ़ी सही समझ के सही भाव के साथ ठीक ठीक जी पाती है। अगर हम अभी जो हमारा जीना केवल सुविधा के लिए है या ये मूलभूत आधार जो आधारभूत भ्रम हमने मान रखे हैं, कुछ मान्यताएं हैं जिसके कारण हमने ये पूरा मान रखा है जो नीचे काले में दिख रहा है, अगर हम यहाँ से निकलकर इस पीले वाले के लिए सहज स्वीकृति में जो है यहाँ पर जाना चाह रहे हैं, परिमार्जन और विकास के लिए प्रयास करें, तो दिखता अगर मानवीय शिक्षा से इस पूरी चीज को करते हैं तो व्यक्तिगत परिमार्जन होता है और व्यक्तिगत परिमार्जन से सामाजिक परिमार्जन हो पाता है। हमको कई बार लगता है कि भाई ये क्या हो पाएगा, एक मैं मेरे ठीक हो जाने से क्या हो पाएगा, लेकिन क्या मेरा ठीक होना जरूरी है कि नहीं पहले इसको देख लें। और अगर हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, हमारे संपर्क में हर साल 100-200 बच्चे आ रहे हैं, अगर हम ये बातें उन तक पहुंचा पाते हैं अपने आचरण के आधार पर, हमारे जीने के आधार पर, ना कि बातों के आधार पर, अगर हम आचरण के आधार पर पहुंचा पाते हैं तो सामने वाले का तक बात पहुंचती है, सामने वाले व्यक्ति भी सही समझ के सही जी पाता है, मेरा भी व्यक्तिगत परिमार्जन हो पाता है और मैं सामने वाले का भी परिमार्जन में सहयोगी के तौर पर पेश आ पाता हूं। अगर इस पूरी व्यवस्था को देखें, अभी हमने बहुत थोड़े में केवल शिक्षा संस्कार को भी बहुत थोड़े में ही रखा है, नहीं तो शिक्षा संस्कार पर 2-3 घंटे चर्चा चलती है, फिर स्वास्थ्य संयम उत्पादन कार न्याय सुरक्षा विनिमय कोष कभी किसी बड़ी वर्कशॉप में आएंगे तो इस पर डिटेल पर चर्चा करेंगे हम लोग। अगर परिवार को देखें और उसको विश्व परिवार तक फैलाएं तो ये दिखता है कि भाई परिवार में अगर 10 सदस्य भी हैं और विश्व परिवार में 10^10 यानी लगभग 1,000 करोड़ सदस्य भी हैं पूरे विश्व में, तो हम वहां तक इस बात को पहुंचा सकते हैं। अगर एक व्यक्ति 10 लोगों को ये बात बताता है और फिर 10 साल में हर एक व्यक्ति तक इस बात को पहुंचा पाता है, तो वो फिर अगर अगले 10 व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो लगभग 100 सालों में हम 1,000 करोड़ तक इस बात को पहुंचा पाते हैं। अगर 110 साल कर देंगे तो
10,000 करोड़ लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जबकि अभी जनसंख्या इतनी है भी नहीं। अभी तो जनसंख्या केवल 700-750 करोड़ के आसपास ही है। तो आज का जो गृह कार्य है वो ये है कि आप जिस संस्था से जुड़े हैं उसका समान लक्ष्य क्या है, यह मानव लक्ष्य के लिए कैसे पूरा पड़ता है। अपनी संस्था के पड़ोस में सही समझ और सही भाव सुनिश्चित करने के लिए आप और आपकी संस्था कैसे योगदान दे सकते हैं, इस पर हम लोग जो है आज रिफ्लेक्शन करें। और गृह कार्य रहे या आपको लिंक मिलेगा, अगर पूरी समाज की बात का सार संक्षेप देखें, इस पूरे समाज की चर्चा को संक्षेप करें, हालांकि ये बहुत इस पूरे समाज की चर्चा के साथ सार संक्षेप करना बहुत ठीक नहीं लगता है, क्योंकि वो चर्चा पूरी हुई ही नहीं है समय की कमी की वजह से। और जैसे बताया कि 8 दिन की पूरी वर्कशॉप चलती है, सुबह से शाम तक चलती है, ऑनलाइन मोड में थोड़ा सा रखना, बहुत बातें ठीक से नहीं आ पाती है। तो आप सभी लोग आमंत्रित हैं, कभी 8 दिन की पूरी वर्कशॉप हो तो उसमें आए। तो समाज की व्यवस्था को अगर देखें तो समाज परस्पर पूरकता के संबंध के साथ रहने वाले परिवारों से बना होता है, उनका एक समान लक्ष्य होता है जो है हर एक परिवार में सही समझ और सही भाव हो जाए, जिसको सुख कह रहे हैं, हर एक परिवार में समृद्धि हो जाए, समाज में अभय या विश्वास का भाव हो जाए और प्रकृति अस्तित्व में सहअस्तित्व हो जाए। परिवार समाज की मूल इकाई है, अर्थात समाज परिवार, परिवार समूह, ग्राम परिवार समूह, नगर परिवार और इसी प्रकार से बना होता है, जहाँ हर व्यक्ति समझदार और जिम्मेदार होता है तथा मानव समान मानव लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करता है। समाज में प्रत्येक परिवार की भागीदारी के द्वारा 5 आयामों में समान मानव लक्ष्यों में सभी का लिए पूरा होता है। परिवार व्यवस्था से विश्व परिवार व्यवस्था तक पीढ़ी दर पीढ़ी इसको पूरा किया जा सकता है। शिक्षा संस्कार से, स्वास्थ्य संयम से, उत्पादन कार, न्याय सुरक्षा विनिमय कोश, वर्तमान सभ्यता काफी हद तक इस मान्यता धारणा पर आधारित है कि मानव केवल और केवल शरीर है। सुख मुख्य रूप से संवेदना और दूसरे मानव से भाव पाकर मिल पाता है, और इसी तरह से इसीलिए सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं में मूल में भौतिक सुविधाओं का संग्रह और शोषण है। तो ये गड़बड़ी क्या दिखाई देती है कि मानव ने खुद को शरीर मान लिया है, मैं को समझा नहीं है, सेल्फ को समझा नहीं है, शरीर मान लिया है, ये एक मूलभूत समस्या जो है वो दिखाई देती है। अगर मैं खुद को देख पाऊं, शरीर को देख पाऊं, तो ठीक ठीक जी पाता हूं। यहाँ पर हम लोग एक दो कोई प्रश्न लेकर फिर आज की चर्चा को रोकेंगे और कल जो है हम लोग नेचर या प्रकृति और अस्तित्व की चर्चा को सुबह 9:30 बजे से शुरू करेंगे। 9 बजे से जो है हमारा अनऑफिशियल सेशन भी शुरू हो जाता है। जी तो हमारे साथ राजलक्ष्मी जी हैं, राकेश कुमार अग्रवाल जी हैं, हेलो, भगवान सिंह परमार जी हैं, हेलो जी। राकेश जी आप पहले बात रख लें अपनी। हाँ भैया, मैं अभी आपकी एक बात को थोड़ा सा मैं घास से आपका वो चाह रहा था, ध्यान चाह रहा था कि आपने कहा कि 8 दिन की एक वर्कशॉप होती है, उस वर्कशॉप में भी चाहे तो इस तरह की जानकारियों को और अधिक विस्तार से समझने के लिए हम जुड़ सकते हैं, तो क्या वो भी ऑनलाइन होती है या फिर ऑफलाइन होती भी है? वो ऑफलाइन होती है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6-6:30 बजे तक। तो ये कैसे उपलब्ध हो पा सकती है हमारे लिए, अगर हम चाहें तो? मुझे लगता है जहाँ से आपको इस बारे में सूचना मिली है, इसी बारे उसी सोर्स से आपको जो है वो आपको अगले 8 दिन की जो वर्कशॉप होगी उसकी भी सूचना मिल जाएगी। तो ये निकट भविष्य में कब हो सकती है या इन फ्यूचर? अभी जब भी होगी तो आपको सूचना मिलेगी, अभी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए जब भी आगे होगी तो आपको सूचना मिलेगी। जी नमस्ते भगवान जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, बताइए भैया। बहुत बढ़िया प्रस्तुति कर रहा और बहुत अच्छी बात है, सभी आयामों पे आप बहुत अच्छी बात रखी, बहुत बढ़िया, इतना ही मुझे कहना था। जी जी धन्यवाद भगवान जी, धन्यवाद।
जी राजलक्ष्मी जी, जी भैया, जी भैया, हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते सर, सभी के लिए। सर आपकी इस कार्यशाला में पहली बार शामिल हुई हूँ, बहुत अच्छी जानकारी मिली, इस बात के लिए बहुत धन्यवाद सर। मैं ये पूछना चाह रही थी कि सर ये कोरोना काल में बच्चों का और शिक्षकों का आपस में जो परस्पर भाव रहता था उसमें बहुत कमी आ गई, तो हम बच्चों के साथ कैसे जुड़ें कि उनको सही मार्गदर्शन तक पहुंचा सकें, क्योंकि बहुत से बच्चे स्कूल नहीं आ रहे, मोबाइलों से जो हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई कम करते हैं, अन्य काम अधिक करते, तो हम ये चाहेंगे कि थोड़ा सा सर इस पे हम लोग चर्चा करें कि हम कैसे बच्चों से जुड़ पाएं। ये बात तो आपकी ठीक है कि भाई आज की डेट में बच्चों के साथ जो है, क्योंकि टीचर से बच्चा जो है वो जुड़ता है तो वो एक भाव है आपस में, जो भाव का एक फ्लो होता है, भाव प्रभावित होता है, प्रवाहित, तब वो बच्चा जो है वो जुड़ता है। वो इस सब्जेक्ट को पढ़ने, मैथ्स इंग्लिश हिंदी इसको पढ़ने बहुत नहीं जुड़ता है, वो एक मानव का, क्योंकि मानव से संबंध है ना, तो बच्चा वैसे जुड़ता है। और ऑनलाइन मोड में ऐसा दिखता है कि भाई कई बार वो भाव नहीं समझ में आते हैं, नेटवर्क नहीं है, बात कट रही है, ऐसा सब ध्यान में आता है। मतलब वो क्लास ज्वाइन कर लिया फिर बुला रहे हैं तो सुन भी नहीं रहे, पूरी तरीके से दूसरे को बिठा दिया। ठीक तो बात जितने है, तो समय बच्चे मिलते हैं तो ऐसा कोई मतलब विचार हम लोगों को दें सर कि हम लोग कम समय में ही बच्चों से अच्छे से जुड़ पाए। मुझे लगता है कि भाई वहां तो हम जिम्मेदारी पूर्वक जी हैं अपनी तरफ से, भाई जब वो बच्चे आएंगे स्कूल में तब उनके साथ और अच्छे से जी पाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमारे परिवार में भी बच्चे होंगे, हमारे आसपास भी बच्चे होंगे, हम उनके साथ जिम्मेदारी पूर्वक जिए, वो भी एक अहम है। ऐसा थोड़ी ना है कि जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं केवल उन्हीं के साथ हम जिम्मेदारी पूर्वक जिएंगे, जिनको हम नहीं पढ़ाते उनसे हम कैसे भी बात करेंगे, तो हम उन बच्चों के लिए भी जिम्मेदारी पूर्वक जिएंगे, और जब वो बच्चे स्कूल में कॉलेज में वापस आएंगे तब उनके साथ जिम्मेदारी पूर्वक जिएंगे। और अभी ऑनलाइन माध्यम में भी हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई हमारी तरफ से हमारा भाव ना खराब हो, ये भी हम प्रयास करेंगे। जी धन्यवाद सर। जी ठीक, तो भुवन पटेल जी भी हैं, सिद्धार्थ त्रिवेदी जी हैं। हाँ सर नमस्कार। जी भुवन जी नमस्ते। हाँ सर, आज का जो सत्र जो है बहुत सारगर्भित रहा, इन्हीं बात को बोलने के लिए मैंने मतलब कहा सर, बहुत अच्छा, सारी जानकारी आपने दी और निश्चित थी गणेश जी जो आपने जो सत्र लिया वो हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि हम शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग हैं। थैंक यू सर। जी जी धन्यवाद। तो अजय भैया यहाँ पे हम लोग रोक सकते हैं क्योंकि हम लोग 5-6 मिनट आगे ही हो गए हैं। जी जी भैया रोक सकते हैं यहाँ पर, और अनाउंसमेंट आपने कर ही दिया है कि कल सुबह इनफॉर्मली 9 बजे ओपन हो जाएगा। जी हमारे साथ इंद्रपाल जी भी हैं, सत्य प्रकाश जी भी हैं, सुधीर भैया भी हैं, अगर कुछ बात रखना चाहें, क्लोजिंग रिमार्क रखना चाहें। भैया मुझे लगता है कि बात आज की हो गई है, अब इस चर्चा को हम यहाँ पर रोक सकते हैं। जी भैया जी, जी।